तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है स्वेप चौधरी इन इंडियन मार्केट यूएई फूड प्राइस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस यूएई पाकिस्तान रियल रिएक्शन ऑन इंडिया। तो देखते हुए वीडियो स्वेप चौधरी की के दुबई में इंडियन प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं, तो कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है। जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पे लिखा है मेड इन इंडिया और इसकी कीमत है तकरीबन 10 दिरहम, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है, ये 30 दिरहम का क्या 30 दिरहम पैकेट पूरा पैकेट ठीक है, इसमें कितने 12 पीस है 30 दिरहम का। इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था ये हिमालय ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन यूएई, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला। ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है। 13 दिरहम है। पाकिस्तान में आम को नहीं मिलते। अच्छा इधर देखो 2.5 रुपया दिरहम है, 2.5 रुपए के दिरहम। हाँ जी, ये तकरीबन 150 का, हाँ 170-180 के राउंड अबाउट। ये केले की क्या कीमत है? केले 375 दिरहम, ये तकरीबन 200 का बनता है। 200 का बनता है ठीक है। हमारे यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ, पाकिस्तान में 200 रुपए दर्जन केले मिलते हैं, लेकिन ये केले आपको 200 दर्जन कभी नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, कम से कम 350 के राउंड अबाउट दर्जन मिलेंगे। ये चावल किधर से है और इसकी ये किस तरह? ये 7 रुपए केजी है। 7 रुपए केजी, यानी ये कितने का, कितने का बना पाकिस्तानी, कितने रुपए हुए जी? 500 के राउंड अबाउट हुआ। खान साहब ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आया। इंडिया से आया। अच्छा अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, इंडिया से आ रहा चावल, आलू की कीमत क्या है? 2 रुपए। 2 रुपए ठीक हो गया, 2 रुपए नहीं 2 दिरहम बोलेंगे। सब्जी भी फ्रेश आता है, एक जगह में सफाई नहीं करता, इधर सफाई है, पूरा चीज सफाई है। ठीक हो गया, आप बेसिकली कहाँ से हैं? आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर? मैं ईरानी है। हम अभी आपको देख के इधर पहचान गए कि अरे हम तो आपके यूट्यूब में देखते थे। इधर तो एक एक दिरहम के लिए, मैंने यहाँ पे 8-9 दिन हो चुके हैं मैं मौजूद हूँ, एक एक दिरहम के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। पहले पहले जब हम आए थे तो क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ से कैसे रहे जी, लेकिन घर वालों को नहीं आप बताते हो? नहीं नहीं घर वाले को ऐसे नहीं जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पहले हम इंडिया पाकिस्तान में फूड प्राइस कंपैरिजन करते रहे, सब्जियों की कीमतों का थोड़ा कंपैरिजन करते रहे, लेकिन आज हम यूएई की स्टेट अबू धाबी में मौजूद है और यहाँ पे एक सुपर मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे ऑयल की क्या कीमत है, सब्जी की क्या कीमत है, मछली की क्या कीमत है, ड्राई फ्रूट की क्या कीमत है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ये भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल जब्बार अहमद। अब्दुल जब्बार भाई आप यहाँ के वैसे तो बेसिकली पाकिस्तान से हैं, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, थोड़ा सा कीमतों का हमें बताइएगा कि ये कितने दिरहम का है और जो भी चीजें थोड़ा बताइए। 20 दिरहम का ऑयल है, 4 केजी है, 20 दिरहम का 4 केजी और ये पाकिस्तान में तकरीबन ये एक जो लीटर है ये तकरीबन 500 से 600 राउंड अबाउट होता है, यानी कि 4 केजी ये हो गया 6×6=2400 का ऑयल पाकिस्तान में मिलेगा। और आप लोग भी जहां से देख रहे हैं, जिस कंट्री से, जिस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा कि 4 केजी आपके वहां पे यही चीज कितने की मिलेगी। आइए और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां जो कि हम देखेंगे और उन, हाँ ये अंडों की, बल्कि अंडों की ये कितने, ये 30 अंडे हैं। अच्छा ये 16 दिरहम का है। 16 दिरहम का तकरीबन ये पड़ा हमें 13-1400 का राउंड अबाउट कर रहे हैं, दिरहम की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है पाकिस्तानी 13-1400 का, इंडिया में तकरीबन 400 के राउंड अबाउट 30 अंडे, ये पाकिस्तानी तकरीबन 1300 के राउंड अबाउट। और सब्जियों की कीमतें मैं देख रहा था, मैं हैरान हुआ, ये आप लोगों ने जरूर बताना है। मैंने जो चीज नोट किया, मुझे ऐसा लगता है उतनी सस्ती सब्जियां, उतने सस्ते जो फल हैं वो इंडिया पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे जितने यूएई में मौजूद होंगे, लेकिन आपने बताना है कीमतों के हवाले से। अच्छा ये सेब है, ये कितने,
रासीरम तकरीबन पाकिस्तानी 750-800 के राउंड, और ये कितने के जी है? चार केजी। अच्छा, ये इधर ये सिस्टम नहीं है किसी ने एक केजी लेना हो, किसी ने हाफ केजी लेना हो, मिलता है हर चीज मिलता है। अच्छा, ये मछली, अच्छा मछली की आप देखें साइज चेक करें, कितना बड़ा बड़ा साइज है इस मछली का, और ये कितने रुपए केजी? 8-9 रुपए, नहीं ठीक है ये चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी मौजूद है, यहाँ पे ये चीज मौजूद है, पीसीज बकायदा करके रखे गए। और दूसरे नंबर पे हम अपने जो कंट्री की मार्केट देखते हैं, वहाँ पे आपको जो चीजें मिलती हैं वो शायद इस तरीके से पैकिंग के साथ नहीं मिलती, इन्होंने बकायदा पैक करके रखी है, ठीक है। ये आप क्या कहेंगे, ये जो इसकी कीमत है तरबूज की? ये 4 रुपए का, ये मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा है। 2.25 रुपए/केजी, 2 रुपए यानी एक तकरीबन 150 रुपए पाकिस्तानी, 150 रुपए/केजी यहाँ पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा महंगा है, बाकी चीजें बड़ी मुझे सस्ती लग रही है। खासतौर पर अंगूर मैं देख के हैरान हुआ, ये बड़े सस्ते यहाँ पे मिल रहे हैं और बड़े फ्रेश, और पैकिंग चेक करें आप क्या बात है, जबरदस्त किस्म की पैकिंग है। ये कितने का है और ये इधर आप बताइएगा? ये 2.5 दिरहम का, ये 2.5 दिरहम का पाकिस्तानी, तकरीबन 150 का। हाँ हाँ, तकरीबन 150 का, और इंडिया में तकरीबन ये 70 के राउंड अबाउट 60-70, ठीक हो गया। अच्छा आए जी, और भी यहाँ पे जो चीजें हैं मौजूद है, माल्टा किस रहे? 2.75 केजी मिलेगा, पर केजी मिलेगा, और इसमें राउंड अबाउट आ जाते हैं 8-9 पीस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा आए आगे, सब्जियां हैं उधर भी वो देखते हैं, ठीक है। बैंगन किस तरह है जी? 4 रुपए/केजी, 4 रुपए/केजी, और साथ ये मौजूद है 4 रुपए/केजी, मतलब ये 350-400 के राउंड अबाउट होगा। और ये गाजर देखें, गाजर का एक तो कलर देखें, और कितने रुपए की केजी है? 3 रुपए/केजी, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वहां पे भी। अच्छा सब्जियों का मैं नोट कर रहा हूँ, सब्जियों की कीमत वही है लेकिन फ्रूट यहाँ पे सस्ता है। सब्जी रेट वही है लेकिन अच्छी साफ सुथरी, हाँ साफ सुथरी है, क्वालिटी हमको उधर नहीं ऐसे मिलेगी चीज, ठीक है। आप जहाँ से देख रहे हैं आप बताइएगा, आपको वहां से ऐसी साफ सुथरी सब्जी मिलती है? अच्छा एक चीज मैंने भाई नोट की है कि यहाँ पे इस मार्केट में शायद सस्ती है, बाकी यूएई की दूसरी मार्केट्स में शायद महंगी होगी। मेरे हिसाब से इधर सस्ती, मैं 2-3 साल से इधर से इस्तेमाल लेकर जाता हूं। तो इसकी क्या रीजन है, मतलब इस मार्केट में ऐसी सब्जी नहीं मिलती फ्रेश, ठीक है। यहाँ पे जो शॉपकीपर है उनसे भी अगर वो बात करना चाहे उनसे पूछेंगे की भाई दूसरी मार्केट में। हेलो सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। ये जो कीमतें हैं यहाँ पे, ये दूसरी तमाम मार्केट्स में भी यही कीमतें हैं या थोड़ा फर्क है? नहीं थोड़ा फर्क है, लाजम फर्क है, ज्यादा फर्क है। क्या वजह उसकी, यहाँ पे सस्ती क्या? सब्जी भी फ्रेश आता है, एक जगह में सफाई नहीं करता, इधर सफाई है, पूरा चीज सफाई है, ठीक हो गया। आप बेसिकली कहाँ से हैं? ना आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर? नहीं ईरानी है, ईरान। और यहाँ पे समझ लें ग्लोबल विलेज सा माहौल है, यहाँ पे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ पे इंडिया से, ईरान से, नेपाल से, फिलिपाइन से, मतलब बहुत सी कंट्री से। हेलो कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम? अनवर खान। अनवर खान पाकिस्तान से होंगे, पिशावर से होंगे, वजीरिस्तान से होंगे। ये ऐसी सब्जियाँ, ऐसा ये सब, क्योंकि हमारा भी तो एक ज़राई कंट्री है ना पाकिस्तान, ये वहाँ पे ऐसे मिलती है? नहीं इधर सफाई ज्यादा है, सफाई के और मार्केट भी सस्ता भी, और मार्केट में लेके आता है, ऐसा डालता है, हम सफाई करते हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, ये मतलब अगर यूएई की बात करें ज्यादा रेत वाला एरिया है, उस तरीके से ये जरखेज एरिया नहीं है, यहाँ पे सब्जियां सस्ती मिल सकती हैं तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल सकती? क्या आप खान साहब क्या समझते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छी फसल होती है या पाकिस्तान में? नहीं पाकिस्तान में। तो फिर वहाँ पे क्यों महंगी चीजें हैं? अच्छी चीज उधर से इधर सारी आ जाती है, उधर से अच्छी चीज सारी इधर आ जाती है, ठीक हो गया। ये चीज तो मैं पहले से जानता हूँ कि जो ए क्वालिटी होती है, खासतौर पे अगर माल्टे की बात करें, किन्नू की फ्रूट की बात करें, मैंगो की बात करें, ए क्वालिटी का मैंगो या फल जो है वो पाकिस्तान से या इधर आ जाता है, और हमें वहाँ पे वो चीज खाने को नहीं मिलती, और यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। आलू की कीमत क्या है? 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक हो गया। 2 रुपए नहीं, 2 दिरहम बोलेंगे, तकरीबन 150 का, ठीक हो गया। और आलू ये मेरे ख्याल से ईरानी आलू है, जो मैं कलर से आइडिया लगा रहा हूँ, किधर का आलू है? ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है। ये सब सब्जियाँ पाकिस्तान से? ये आलू पाकिस्तान का है, ठीक है। माल्टा पाकिस्तान का है, ठीक है। इंडिया से कौन सी सब्जी आती है या क्या चीज आता है? प्याज आता है, प्याज इंडिया से आता है, ठीक हो गया। प्याज की क्या कीमत? 5.5 रुपए। अभी ये पाकिस्तान का ये प्याज, ठीक हो गया। अच्छा पाकिस्तान का प्याज की ये वजह है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्वालिटी टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन पाकिस्तान में ईरान का प्याज बिक रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान का बिक रहा है, ये साइंस नहीं मुझे समझ आई। आपको पता पाकिस्तान में ज्यादातर ईरान का प्याज ऐसे ही है, वो सस्ता इधर उधर खा लेते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं।
आगे टमाटर की कीमत देखते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म के टमाटर है ये देखें। ऐसे टमाटर हमको नहीं, उधर नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, हमको नहीं मिलते। अच्छा इधर देखो 2.5 रुपया दिरहम है, 2.5 रुपए के दिरहम। हाँ जी ये तकरीबन 150 का, 150 170 180 के राउंड अबाउट। ये केले की क्या कीमत है? केले 375 दिरहम, ये तकरीबन 200 का बनता है। 200 का बनता है ठीक है। हमारे यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ, पाकिस्तान में 200 रुपए दर्जन केले मिलते हैं, लेकिन ये केले आपको 200 दर्जन कभी नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, कम से कम 350 के राउंड अबाउट दर्जन मिलेंगे। और माल ये देखें जी, ये कितने जबरदस्त किस्म के मौसमी है। और ये किधर का है? मिस्र का। मिस्र का है जबरदस्त। और ये केला? ये चाइना के, चाइना के केला है ठीक हो गया। ये बंद गोभी मौजूद है? दो दिरहम। मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब है, बहुत सही है। पाकिस्तान में बड़ी महंगी है ये। और ये प्याज है? ये प्याज व्हाइट प्याज है। ये प्याज ये कौन सी क्वालिटी है जी? इसका आइडिया नहीं है कौन सा कंट्री। अच्छा आइए ड्राई फ्रूट वाला सेशन आया है, वहाँ पे हम देखते हैं ये। अच्छा दालें बताए, दालें? ये दाल, दाल मसूर 6 रुपए का है, 6 रुपए 6 दिरहम का, दिरहम ठीक है। और ये वाली दाल चना वो तकरीबन 4 दिरहम, 4 दिरहम का ठीक हो गया। ये तकरीबन बना 300, 300 बनता है ठीक हो गया। और ये चना किस तरह है? लोबिया किस तरह है? लोबिया 7 रुपए, 7 दिरहम ठीक है। लोबिया मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा मुझे जो फील हो रहा है, कुछ चीजें इधर महंगी है पाकिस्तान सस्ती है, कोई उधर से ऐसे ही ठीक है। अच्छा ये दाल बड़ी सस्ती है जनाब इधर ठीक है, 1 kg आपको तकरीबन मिलेगी 6 दिरहम का मिलेगा ठीक हो गया। चने आ गए, ब्लैक चने। अच्छा चने, चने को छोड़ें, ये मेरे मर्जी की चीजें थोड़ी आ रही हैं। चावल की खास तौर पे बात करेंगे, ये चावल किधर से है और इसकी ये किस तरह? ये 7 रुपए kg है, 7 रुपए kg। यानी ये कितने का, कितने का बना? पाकिस्तानी कितने रुपए हुए जी? पाकिस्तानी तकरीबन 400-500 के राउंड अबाउट हुआ ठीक हो गया। पाकिस्तान से महंगा है ठीक है, नहीं इतने का उधर भी अच्छा है। इस क्वालिटी का चावल, ये आप चावल की क्वालिटी चेक करें, इस क्वालिटी का चावल मैं समझता हूँ उधर भी इतना ही होगा। खान साहब ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आया, इंडिया से आया। अच्छा अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ इंडिया से आ रहा चावल, उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे फसल ज्यादा हो रही होगी, वहाँ पे उनका बादाम पड़े हैं, ये 26 रुपए kg है ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं, ये 26 रुपए kg, ये बने तक 26 दिरहम के 1 किलो, ये बने 8-8-16 और तक, हाँ 2000 राउंड अबाउट पाकिस्तानी 2000, ये भी मुनासिब है, मुनासिब सही है मेरे साथ। और ये साथ काजू है? काजू है जी, ये 29 रुपए kg ठीक है। 30 ही लगा लें, 8-8-16 और 8-24, हाँ जी ठीक है, 2400 का आपको ये काजू मिलेगा किलो। अच्छा आप लोगों ने बताना है आपके वहाँ पे ये सारी चीजें, आपने रेट जरूर बताना है कि वहाँ पे ये सेम चीजें कितने रुपए केजी आपको मिल रही हैं? ये करोड़ पड़ा है 28 रुपए केजी ठीक है, बहुत अच्छा है साफ सुथरा मेरे। अच्छा बहुत से लोग पाकिस्तान का, तो मुझे पता है कि जब पाकिस्तान वापस जाते हैं यूएई से विजिट करके, तो शॉपिंग में आपको बड़ी कैंडीज मिलेंगी देखने को कि भाई ओहो अबू धाबी से, ओहो यूएई से कैंडीज आई हैं, वो कैंडीज यहाँ पे कितने की मिलती है ये आपको आज देखने को मिलेगी। ये कितने की है? और ये केजी है? केजी मिलेगी 15 रुपए केजी है ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ ये अपना 1200 रुपए की आपको 1 किलो मिल जाती है, जैसे बड़ी बात है। और ये पूरी पूरी फैमिली में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपको ऐसा लगेगा ओहो भाई तो बड़ा कुछ ले आए हैं। हेलो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं? ईरान। ईरान से हैं। ईरान में आप सबसे पहले बताइएगा, सब्जियों की कीमतें, चावल की कीमतें, ड्राई फ्रूट की कीमत ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा? ठीक है, पूरे ऑफर है वहाँ पे। इधर सस्ता है? इधर सस्ता है? इधर सस्ता है, पूरे पूरे मार्केट मुसाफा में सस्ता सस्ता इधर ही है, ठीक हो गया। सब्जी चावल हर चीज में सबसे सस्ता इधर ही है दुकान में। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, मतलब ईरान के लिए पाकिस्तान के लिए क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे ये चीजें। अच्छा आगे ये जो एरिया आया है यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको ग्रोसरी मिलेगी यहाँ पे आपको। ये क्या है जी? ये लोबिया है। लोबिया इसको ना जिस इमरजेंसी जल्दी पकाने के लिए, ये हाफ बॉइल टाइप कुछ होता है, हाफ बॉइल होता है। और इसे केचप, केचप है 2 दिरहम का, 3 दिरहम का, 3 दिरहम का। ये टमाटो केचप है और ये 17 दिरहम का है,
ठीक है, ये पूरा 5 kg होगा, 5 kg 17 dirham का। मैं ये समझता हूँ इधर हर चीज मुनासिब है, ऐसा भी कोई कर सकता है, ये बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से आप बल्क में चीजें ले जाके वहां अपने इंडिया अपने पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री से जहां पे ये चीजें महंगी हैं आप ये चीजें सेल कर सकते हैं। वैसे तो बिजनेसमैन ज्यादा बेहतर जानते हैं लेकिन मैं अपने तौर पर ये आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, ये चीजें पाकिस्तान में बहुत महंगी मिल रही है, ये खासतौर पर अगर हम चूल्हे की बात करें, ये देखें जी जी, ये कंपनी की है। अच्छा 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 अच्छा, ये दिखा दें, इसकी कीमत बताएं, इसकी क्या कीमत? शीशे वाला, शीशे वाला, ठीक है, शीशे वाला है, ये दिखाइएगा, बहुत अच्छा ये है। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है ना, अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ से पाकिस्तान लेके जाना हो तो हमें तो उसकी ड्यूटी बहुत पड़ेगी, उसका टैक्स थोड़ा पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी, क्वालिटी चेक करें। अच्छा, बहुत महंगा, ये कितने का? ये 8,000 का है, पाकिस्तानी 8,000, और वैसे इधर का तकरीबन 100 का, 109 के दिरहम का, ठीक है, बड़ा मुनासिब है। पाकिस्तान में मैं ये चूल्हा आपको बता दूं कम से कम आपको 18-19-20 के राउंड बोर्ड का मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, ये पीछे क्या है ये चीज? पिज्जा पुज्जा बनाने के लिए, ये दोनों मच्छर मच्छी फ्राई करेगा, ठीक है, दोनों तरफ ठीक हो गया, ये खोल के दिखाएंगे आप दोनों तरफ, देखो। अच्छा, फिश फ्राई करने के लिए नीचे लग जाता है, नीचे नहीं लगेगा। और ये कितने का? प्राइस बहुत कम थी, प्राइस क्या है इसकी? 39 यानी 40 दिरहम का राउंड बोट, 39-40 के राउंड बोट है। और ये देखें, यहाँ पे आप बर्तन देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत बर्तन है जी ये, और कीमत इसकी 29। लेकिन ये अकेला नहीं होगा, ये सेट होगा, अकेला होगा, उसका अलग अलग, 5-5 दिरहम का वो अलग है, ठीक है, 5-5 दिरहम का अलग, ठीक हो गया। बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे अगर फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे चीजों की जो कीमतें हैं वो कम है। उसके अलावा अगर ये हमने चूल्हा वगैरह मतलब ये किचन के हवाले से बात करें तो ये भी चीजें मुझे पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ती लगी हैं। लेकिन एक चीज मैं नोट की है कि शायद ये जिस एरिया में UAE अबू धाबी के जिस एरिया में हम मौजूद हैं शायद यहाँ पे सस्ती होंगी, यहाँ पे कोई मुनासिब होगा। ये दरअसल लेबर क्लास वाला एरिया है, यहाँ पे जो उनसे लेबर पूरी दुनिया से यहाँ पे लेबर आती है उस एरिया में ये मार्केट मौजूद है, तो जिसने ये बनाई है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई जैसे वो लेबर के लिए वर्क कर रहा है, थोड़ा सा रायत दे रहा है। इधर तो एक एक दिरहम के लिए, मैंने यहाँ पे 8-9 दिन हो चुके हैं मैं मौजूद हूँ, एक एक दिरहम के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जो सा वो सारा दिन कोशिश करते हैं जी। तो इस टाइम हम मौजूद हैं इस स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में, और मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है, जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पर लिखा है मेड इन इंडिया, और इसकी कीमत है तकरीबन 10 dirham, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया, और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि अगर हम ये वाटिका, इसकी कीमत है तकरीबन 7.5 dirham, और इसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा है, और आपके वहां पे जरूर जो भी कीमत होगी आप बताइएगा। आगे चलते हैं जी, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये समझता हूँ साबुन हो, शैम्पू हो, या फिर इसके अलावा आप दूसरी क्रीम वगैरह की अगर बात करें, ये देखें जी, ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया, और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है? ये 30 dirham का क्या? 30 dirham का पूरा पैकेट, ठीक है, इसमें कितने हैं? 12 पीस हैं 30 dirham का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये चीज मैं नोट की, जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर इंडिया से क्यों है, मतलब पाकिस्तान से क्यों नहीं? सब्जियां ये दूसरी चीजें आती हैं, ये प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो पाकिस्तान, क्या वजह उसकी? हम बना नहीं रहे या फिर क्या महंगी हमें पड़ती है, खुद ही महंगी पड़ती है, फैक्ट्री एरिया बहुत, बिजली बहुत महंगी है, ये चीजें वो मेन मसला, ये हमारे मेन पॉइंट है बिजली, यानी कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो रही, ऐसे ही ठीक हो गया। और ये एक यहाँ पे हिमालया, इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था, ये हिमालया ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन UAE, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला, ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है? 13 dirham है, ठीक है, और इसमें पैकेट कितने पीसेस हैं? 12 पीस, ठीक हो गया, 12 पीस,
चलें जी, बड़ी जबरदस्त चीज है। मार्केट की खास तौर पे बात करें, पैकिंग बड़ी खूबसूरत किस्म की गई है। कीमतें, मैं तो ये चीजें इस तरीके से खुद नहीं खरीदता, लेकिन वहां पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा, और इंडिया में जो इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा। ये वैसलीन यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर देखते हैं इसकी कीमत क्या, 14 दिरहम। और ये है जी वैसलीन, इसके ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये ब्रांड कहाँ का है ये आप जरूर बताइएगा, और आपके वहां पे यही वैसलीन कितने की है ये भी बताइएगा। आज की वीडियो, हाँ ये क्या, फेस वाश 8 दिरहम का, 8 दिरहम का। और ये भी डेफिनेटली ये ठीक हो गया, इसका भी नहीं पता ये किधर का है किधर का नहीं, लेकिन ये वीडियो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो फूड की, यहाँ पे कॉस्मेटिक की, सब्जियों की, दालों की, और जो भी कीमतें थी वो मैंने आपको बताई, आपने मुझे बताना है वहां पे क्या कीमतें हैं। अच्छा, लास्ट में भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि एक ऐसा कंट्री, ये एक यूएई की अगर बात करें, ये ऐसी यहाँ पे स्टेट्स हैं कि कोई भी चीज, मोस्टली गाड़ियां हो, यहाँ की जो है वो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट हो, इवन सब्जियां तक हो, मैं समझता हूँ बाहर दूसरे कंट्री से आ रही है, दूसरे कंट्री से आ रही है, और लोग भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं। थोड़ा इधर हो जाए, आप इधर इसके सामने आ रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स भी दूसरे कंट्री की, खरीदने वाले भी दूसरे कंट्री के, लेकिन पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे यहाँ के लोग। उसकी वजह मेरे ख्याल से यह कि मैनेजमेंट, इन लोगों ने मैनेज बढ़ा कर बहुत अच्छा किया है इनका, यूए का बहुत अच्छा, हर तरफ जो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखी गई है। इधर से हमें चीजें सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान के लोग हों या दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग हों, कि हम अपनी कंट्री को भी अगर प्रॉपर मैनेज करें, हमारी पॉलिसीज बेहतर हों, रूल एंड रेगुलेशन हो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। मतलब कोई मुश्किल नहीं है। हम 1947 में जो जैसे हम इधर फॉलो करते हैं उधर भी करे थे, हर चीज हो सकता है, लेकिन उधर जाके हम अपनी बदमाशी हर चीज करते हैं। उधर कहते हैं नहीं जी, हम तो चौधरी हैं, हम तो ये हैं वो हैं, ये चीजें हैं। अभी हम मार्केट में शॉपिंग के लिए मौजूद थे, एक और भाई हमें मिले, इनका नाम पूछते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें पूछते हैं। ये हम, मुझे देखा और बोला कि मैं आपको जानता हूँ, वीडियो देखता हूँ। हेलो, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बढ़िया, सद्दाम हुसैन है। ठीक है, तो कहाँ से आप? इंडिया से। इंडिया से जी। अभी मार्केट में आप मुझे देख रहे थे, हम अभी आपको देख के इधर पहचान गए की अरे हम तो आपके YouTube में देखते थे। तो वैसे नहीं देख सकते जी, जी देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप, इंडिया से यहाँ पे आए, कितना टाइम हुआ? मेरे को 8 साल हो गए इधर। 8 साल हो गए हैं। जॉब जो कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं? जॉब हमारा पॉलिशिंग का है। पॉलिशिंग का है, तो इंडियन ही सभी मिलके कर रहे होंगे या नहीं? पाकिस्तान का भी है। अच्छा, पठान है हमारा, हम एक साथ काम करते हैं, भाई पीछे जो खड़े। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे सभी मिलके काम कर रहे हैं, जिससे भी पूछ लें। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है लजबर खान। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। किस एरिया से, किस सिटी से? कराची से। कराची से, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे सभी मिलके रह रहे हैं, कोई नहीं कहता कि हम सब, तो मेरा तकरीबन 5-6 साल हो गया एक साथ ही रह रहे यार। कभी लड़ाई कभी झगड़ा कुछ नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं, एक साथ मिलजुल के रहते, लेकिन हमारे, मुझे ऐसा पठान आदमी कभी नहीं मिला। अच्छा? बहुत ही अच्छा लड़का है। नहीं नहीं भाई, पठान कौन से है? वैसे तो हम ये पठान पंजाबी बलोची इन चीजों से आगे निकलना चाहिए, लेकिन पठान पाकिस्तान की शान है। जी जी। आप, जो हमें पता है ना, जज्बाती होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, हमें माइंड ना करना, लेकिन आपके है गुस्सा तो आता है कि नहीं? नहीं यार, कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा ऐसा नहीं किया कि भाई जो भी है दिल में खुल के बोलता है। हाँ, ये इसी को ये कहते हैं ना, स्टेट फॉर्म आगे पीठ पीछे बात करे ऐसा नहीं है, जो भी है वो खुल के बोल देता है, मुझे बुरा लगे चाहे कुछ लगे। ठीक है, वही बात उसको, मुझे अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, इधर शॉपिंग करने आप आते हैं, क्या थोड़ा सा इधर आए, ये देखिए, ये सारी चीजें मैं भी देख रहा था, ये चावल सारे इंडिया से आए हुए हैं। जी जी। क्या समझते हैं, यही चीजें यहाँ पे भी मिल रही हैं जी, इंडिया की लोग भी इंडिया वाले खरीद रहे हैं, यानी दूसरे कंट्री से आके खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, मतलब जॉब के हवाले से, कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, आपकी सैलरी कितनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, सैलरी तो उतना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 है। नहीं, फिर भी ठीक है अभी स्टार्ट में, और ऐसा ऐसा जब आप स्किल, आप जब यहाँ पे अच्छे स्किल्स थी आपके पास? स्किल अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी तो है, लेकिन जब आए थे किस वीजे पे? अच्छा, हम वही सेम वीजे पे आए थे, गाड़ी के काम में। ठीक है, लेकिन उस टाइम उतना तनख्वाह नहीं था, उस टाइम था 1200 तक था। ठीक है, जो भी लोग, स्किल होगी, एजुकेशन होगी, उस बेस पे किसी भी कंट्री में जाएंगे वो वहां पे कामयाब होंगे, जॉब भी मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। जब आप वक्ती तौर पे सोचते हो एक दफा यूएई चले जाएं, बस दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, शारजा चले जाएं, उधर जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे, इधर आके बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ता है। जी जी, ऐसा है कि नहीं? जी जी, पहले जब हम आए थे तो क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ से कैसे रहे जी,
लेकिन घर वालों को नहीं आप बताते हो? नहीं नहीं घर वालों को ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जी हम क्यों बताएं, अपना तकलीफ बता के उनको क्यों मजीद परेशान करें? जी जी ऐसे ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे गपशप लगा के अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोग मिल के बड़ा खूबसूरती के साथ रह रहे हैं और यही चीजें पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई कंट्री हो, ये चीजें हमें वहाँ पे भी मिलजुल के रहना चाहिए, इंसानियत आपको दिखाना चाहिए। मजहब को लेके, ये सब को लेके ऐसे फायदा नहीं है, ये सब करके हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम बात कर रहे हैं, इंडिया का मुस्लिम बात कर रहे हैं, वहाँ पे सभी हिंदू है, हमारी तरफ सभी हिंदू, हम मिलजुल के रहते हैं, मुस्लिम भी है हिंदू भी है, सब मिलजुल के रहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी विलेज है जो इंडिया में, कितने घर मुसलमानों के कितने हिंदुओं के, ज्यादातर हिंदू तो कोई हिंदुओं के हैं, तो सभी मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ बैठे खाना भी खाते हैं हम। जबरदस्त हो गया जी, यही चीजें हमें होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, कोई फायदा नहीं। अच्छा लगा बात करके, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बनाए, गले मिलते हैं जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। खैर अच्छा लगा ये वीडियो करके, आपको ये वीडियो कैसी लगी इन कीमतों के हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ये थी मार्केट जहाँ पे सारा माल मिलता था, शुक्र है भाई मजदूर लोगों का ख्याल किसी को तो आया। अच्छा ये भी है, उनको ये बेनिफिट है, जितने सस्ता किया उतनी गाकी भी तो ज्यादा ही आती है, उसको उतना काम ज्यादा चलता है। दूसरी मार्केटों में शेख चौधरी को बता रहे थे की इससे महंगा मिलेगा काम, सारी चीजें भाई थोड़ा मुनाफा कमा के ज्यादा चीजें बेच लेते हैं, वो मुनाफा फिर घूम घुमा के उतना ही उनके बराबर ही आ जाता है, ज्यादा काम जाएंगे पैसा। और चलो अच्छा एक बात नोट की है भाई साहब, साफ सुथराई हर चीज, क्वालिटी की पैकिंग में रेट सारा कुछ है, हमारे यहाँ भी कोई जो स्टोर है, सही है, इधर पाकिस्तान स्टोर में सेम टू सेम ही है। और एक और बात है, हो सकता है खुले में इस तरह के जो खाने पीने की चीजें इस तरह ना पड़े, हमारे यहाँ तो भाई साहब जो जूते वगैरह हमने वो शीशे के अंदर रखे हुए हैं, एसी चलाया हुआ है, और जो खाने वाली चीजें भाई साहब जो दुकान है किनारे तीन जगह तीन जगह पे खुद जाती आम बेचारा जो गरीब मजदूर रहेगा उसके कहने का मतलब है कि हर जगह पर सफाई को तरजीह देनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर खाने पीने की चीज, लेकिन जो गरीब बंदा बेचारा रेड़ी लगा के रोड के ऊपर अपनी रोजगार लगा रहा है वो कहाँ ऐसी जगह पे जाके रखेगा, उसके पहले तो उसको पैसा चीज के देने चाहिए। लोगों को ढांप तो सकता ही है ना किसी जाली से, भाई वो पानी छिड़क के रखते हैं, सफाई अपनी कोशिश करते हैं, सफाई भी करते हैं, पानी छिड़क के मक्की भी नहीं बैठने देते, कोशिश ये करते हैं। अच्छा यहाँ पर तरबूज जो बहुत महंगा नहीं, 150 रुपए का एक पाकिस्तान में भी तकरीबन ज्यादातर ये सस्ते ही रहता है, लेकिन ये बात है पाकिस्तान के निस्बत वो चीजें ना थोड़ी सी महंगी, लेकिन ये भी देख रहे पाकिस्तान में उस हिसाब से उजरत नहीं है, उस हिसाब से रोजगार नहीं है, जहाँ पर पैसा रोजगार उजरत है वहाँ चीजें महंगी वो उनको नहीं होते। उधर जाके बंदर पते के खीरे नहीं उतरे जो इतना बड़ी खेत लंबी चौड़ी थी उसकी, मैंने उनसे पूछा भाई ये इतना ज्यादा जो खीरे की खेत है किधर फेंकते हो आप? भाई मुझे ना याद है, मैंने एक दफा 7 किलो ये तरबूज खा दिया, 7 किलो ओ खुदा की कसम 7 किलो भाई आप इंसान ही हो, मुझे याद है तू इंसान ही है, 7 किलो ऐसे ही समझो कि 7 लीटर पानी पी लिया, वो छिलका वो उतारे तो कुछ किलो आधा तो कम हो ही जाए, फिर 5 किलो कर लो, 5 किलो भी खाना भाई कोई आसान काम नहीं है, मेरे शर्म लगा जो मैं आना भी खा गया था बर्दाश्त भी कर लो। वो खाने से पहले भी आपने कुछ चीज खाई होगी? महाराज महाराज।
अच्छा तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि मेजर साहब की बात मैं बता रहा हूँ, वो अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में कोई चीज मैं कभी जाती नहीं। मैंने उससे पूछा उस बंदे से, उसने कहा मैंने ये एक आधा मुरब्बा जो 12 एकड़ एक पेड़ ये सारे मैंने खीरे लगाए हुए हैं, ये तारो ये खीरे ये सब्जियां ये पाकिस्तान में जो है ना ये हमारी बैर की कंट्रियों में जाती है, जो ये नार्मल जो आते थी वो नीचे चीजें उठा रही थी ना, ये चीज हमारी मंडियों में जाएगी, ये ट्रालियां खड़ी है। तो मैंने बोला उसको बोला हमें तो यही कहा जाता है पाकिस्तान में कोई चीज भी नहीं बैर जाती, तो दो रुपये बात मान गया फिर वो तो अगर पाकिस्तान बंद किया तो कह रहे पहले पाकिस्तान के जो नमक है ना वो पिंक के साथ जो वो भी पाकिस्तान से लेते थे इमरान खान के दौर में बंद हुआ है। लेकिन ये भाई इसमें वो मेजर साहब इसलिए बोलते थे भाई साहब कोई ढंग की चीज हो ना जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके, वो होती है पाकिस्तान की नमक है, कोयला है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का सामान है, ड्राई फ्रूट है, आम है, किन्नू है, और क्या जो चीज वो ही देंगे जी, जो चीज हमारे पास है मकसद ये है कि हम जो है वो ही बेचेंगे। टोटल मिला के सिर्फ 20 बिलियन बनता है या चलो कम से कम कुछ बेचते है ना कुछ ना कुछ तो ये कह रहे की पाकिस्तान कुछ भी नहीं बेच सकता, लेता कितने हो ये बताना। तो भाई वो जिस तरह हालत अगर अच्छी हो जाएगी हम वो लेना कम करके ज्यादा बेचेंगे अपनी चीजें, फिर मेड इन पाकिस्तान हर चीज हो जाएगी। मशीनरी का ज्यादा सामान बाहर से मंगाते हैं, मेडिकल का सारा सामान जो है, लेकिन वो हालात भी तो हमारे अब तक नहीं इंडिया की तरह को बना ली। अच्छा मेन चीज पता क्या होती है एक्सपोर्ट में ना, ये मशीनरी होती है, मोबाइल होते हैं, ये जो हमारी बात अभी पहुंच नहीं, हमारी पहले घूमतरी सेट है 10-11 दिन हो गए जिस कंट्री की घूमतरी बैटरी को इलेक्शन। अच्छा अब इस तरफ निकल गया तो फिर नहीं निकल नहीं गया पूरे किए वादे करते वफा कैसे करे जब वक्त ही पूरा नहीं मिलना यार, अलग मुद्दे पे अलग मुद्दे पर हम क्या एक्सपोर्ट करते भाई साहब, हम ये मार्टे एक्सपोर्ट करने से कंट्री की इकोनॉमी चल जानी है, मकसद ये नहीं कि हम ये कंट्री इनसे सिर्फ चल जानी, मकसद ये कुछ ना कुछ बेचते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो बेचते हैं। तो ये जो हर वीडियो में कह रहा है ये सुई भी बाहर नहीं बेचती, मेरे सिर्फ एक बात की चीड़ है। अच्छा एक मार्टा भेज दिया बड़े बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो गए, एक्सपोर्टर नहीं बने, लेकिन मेरे कहने का मतलब जब 5 साल कोई हुकूमत करेगी तो वादे करेगी कौन से वो पूरे करेगी, पाकिस्तान में भी अच्छी चीजें बढ़ेगी, पाकिस्तान में हर चीज मेड इन पाकिस्तान शुरू हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सा वक्त लगेगा, इनसे पूछो मुझसे के मुझसे के पूछो चौधरी इस तरह करके गाजर दिखा रहे थे कहते हैं इसका कलर किस तरह हो गया। नहीं वो तो गाजर मतलब चैन ही नजर आ रही थी, चैन ही थी तकरीबन, वो पाकिस्तान इंडिया की नहीं लग रही, नस्लें आती है वो ब्रीड अलग होती किस्म की। बाकी भाई बात ये कि माल्टा पाकिस्तान का बहुत बढ़िया होता है, साफ जा रहे हैं भाई साहब जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं थकी हुई वो हम तक पहुंच जाती हैं और वो भी महंगी शहर में भाई, बात के मुताबिक वही ठीक है। हाँ सही है ये बात, तो भाई शहर में हमारे पास भी इस तरह की मार्केटें हैं, सारा कुछ बड़ा था मौसम का भी क्या नहीं रेट में बहुत फर्क होता है, ये हम जब खुली मार्केट से लेते ना यही चीज हमें 10 रुपए मिल जाती है, अगर इस तरह की दुनिया लेंगे वो महंगी तो 20-40 रुपए एक्स्ट्रा ही होने, बिल्कुल। इसलिए जो भाई गांव वाले लोग है भाई यहाँ इस तरह की मार्केट में जाने के बजाय हम इधर से खुले ही ले लेते, वो ताजा भी होती है यार अपनी भी मिलती है ये ताजा भी होती है। अच्छा हमने ना एक मरले के अंदर अपनी सब्जी मैं तुझे बताता हूँ, मूलियां है जो पालक है ये धनिया है इस तरह की 3-4 किस्म सब्जियां हमने खुद उगाई है अपनी, हम अक्सर इधर से उठा लेते अपनी लेते मतलब बना लेते हैं, वो साफ सुथरी होती है और सब्जी होती है मतलब ताजी होती है, कई लोगों ने बनाई है अपनी वो लेते ही नहीं है और सही अच्छी वो तो नहीं होती खराब सही है। तो ये भाई बेचारे मंडी से लेके तारे गाएगा कुछ तो लग लू जाती बोरे में भी कुछ भी वो सफाई करके रखते भी रोड के ऊपर ही बैठे उनके बनाए थे शौक कहाँ पे आई सही बात है। बाकी भाई रेट का फर्क है इतना ज्यादा भी नहीं था क्योंकि भाई दुबई है उसका पैसा भी बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से अगर कन्वर्ट भी करते हैं ना तो चंद एक चीजें थी जिसका रेट जो है ना थोड़ा सा ज्यादा था, दुबई के पैसे पहले वाला दिखा रहे थे वो 700-800 रुपए का दिखा रहे हैं, इधर 300 रुपए का वो जो एलएमआर वाला आमला वाला दिखा रहे, तो
बाकी चावल का रेट जो इधर 300 से 250 रुपए किलो है, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। है बिल्कुल मिल जाती क्योंकि ये नए चावल आने से पहले भाई साहब जो है ना 400 तक रेट चला गया था अच्छे चावल का। जब डिमांड बढ़ती है, चीज की कमी जो होती है उससे डिमांड जो बढ़ती है और रेट ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। शुरू कर दे इधर यही बात है ना, जब जितनी देर तक चावल ना रही उतनी देर रेट का पता ही होता है। तो भाई हम तो अपना रेट बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसा था तो तू इकोनॉमिक्स शुरू कर देता है। वो जिस वजह से था वो भी तो चेक करना, ऐसे तो नहीं ना देते, वो हाई पर चला जाता लेकिन नीचे भी तो सही बात है। तो बाकी भाई नो डाउट इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, इंडिया कंट्री बड़ी है, बल्कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है अंबानी अडानी इनके ही कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें वो साबुन से लेकर शैम्पू कॉस्मेटिक्स सारी चीजें जो वो बनाते हैं। पाकिस्तान में भी अक्सर जो है कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड जो चीजें होती है ना जो शैम्पू साबुन ये इंडियन जो है वो प्रोडक्ट काफी लोग पसंद करते हैं, खास तौर पे लाहौर बच्चों का जो दूध लाहौर की मार्केट में इंडिया की जो ज्यादा सेल होता है। हां बहुत ज्यादा हमारे शहरों में भी भाई इंडियन प्रोडक्ट मिलती हैं और लोग भाई ये बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल कई लोग तो होते हैं मुंह से बोल के क्या जाने वाली चीज है कि भाई साहब लोग किसी को याद करेंगे तो दाम बढ़े होंगे लाजमी लेकिन क्वालिटी है कि वो किसी और चीज में नहीं दिखती यार। हम मेरा पैसा जो भाग दे ना उसका चीज तो अच्छी ले ले। घी की बात करें तो जो फैक्ट्री वाला घी है उसकी कीमत जो है 4-4.5 2-250 रुपए का मिलता है ये दूसरा केचप वाला पैकेट इधर। तो भाई इधर एक ना सेल लगाया था गाँव में धोखा लगा रहा था आवाज निकाल रहा था 220 रुपए वो काले कलर का कुर्ता 220 रुपए। तो ठीक है भाई इंडिया में सबसे ज्यादा जो खाने पीने वाली चीजें सस्ती वो क्या इंडिया में भी मिलती है नेशनल और शान जो है पाकिस्तानी जो ब्रांड है क्या इंडिया में मिलता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।